नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होनी है। प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों को लेकर आज मंथन किया जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस वॉर रूम में दोपहर बाद कमेटी की बैठक होगी। बैठक को लेकर प्रदेश कांग्रेस के कई नेता पहुंचने लगे हैं दिल्ली। क्लस्टर प्रभारी रजनी पाटिल की अध्यक्षता में इस कमेटी की बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली भी आएंगे दिल्ली। सह प्रभारी अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन और वीरेंद्र सिंह राठौड़ भी शामिल होंगे। दिल्ली की बैठक में बनेगा 3 नाम का पैनल और उसके बाद कभी भी कांग्रेस जारी कर सकती है पहली लिस्ट। तो आज दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। तमाम बड़े नेता जो है दिल्ली आने लगे हैं। एसीसी वॉर रूम में ये बैठक होगी। सभी प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा और 24 का चुनाव कांग्रेस की तैयारी भी अब तेज हो गई। इसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। कुछ समय पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसी तरीके की मीटिंग रखी गई थी और ये दूसरी मीटिंग है। और आपको बता दें, लगातार कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। उसको लेकर आज दोपहर बाद एआईसीसी वॉर रूम में बैठक होने वाली है। तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं और आपको बता दें कि क्लस्टर प्रभारी रजनी पाटिल की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। धीरे धीरे कई नेता दिल्ली आने लगे हैं। 25 सीटों को लेकर, लोकसभा की जो 25 सीटें हैं उसको लेकर मंथन किया जाएगा। और किस सीट पर कौन कौन से संभावित चेहरे होंगे इसको देखना है, क्योंकि जी राजस्थान पर संभावित चेहरों की भी लिस्ट है। तो प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों को लेकर दिल्ली में आज मंथन है और दिल्ली वॉर रूम में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक ये है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गहलोत, पायलट, डोटासरा नहीं लड़ना चाहते चुनाव। तो ऐसे में आज स्क्रीनिंग कमेटी तैयार करेगी 3 नाम का पैनल बड़े नेताओं के साथ। सभी 25 सीटों पर ये कांग्रेस के अधिकांश चेहरे। आपको बताते हैं कि किस सीट पर कौन कौन से संभावित चेहरे हैं। जयपुर शहर से आर तिवाड़ी, संजय बाफना, सुरेश अग्रवाल, स्वर्णिम चतुर्वेदी, रफीक खान, प्रताप सिंह खाचरियावास, सीपी जोशी। और जयपुर ग्रामीण की बात करें तो यहां राजेंद्र यादव है, इंद्राज गुर्जर, अनिल चोपड़ा, सुमित भगासरा, राजेश चौधरी, संजय गुर्जर, भीलवाड़ा से धीरज गुर्जर, रामलाल जाट, सीपी जोशी, झुंझुनू से ब्रजेंद्र सिंह ओला, कोटा बूंदी से अशोक चांदना, ममता शर्मा, सरोज मीना, शांति धारीवाल, चूरू से राम सिंह कसवा, कृष्णा पूनिया, अनिल शर्मा, सीकर से गोविंद सिंह डोटासरा, महादेव सिंह खंडेला, सीताराम लांबा, सुनीता गठाला, अलवर से संदीप यादव, ललित यादव, डॉक्टर करणी सिंह यादव, जितेंद्र सिंह, टोंक सवाई माधोपुर से सचिन पायलट, नमो नारायण मीना, हरीश मीना, राम नारायण मीना, धीरज मीना, केसी घुमरिया, करौली धौलपुर से सत्यवीर अलौरिया, किरोड़ी जाटव, रक्सी बैरवा, अनिता जाटव गंगानगर, हनुमानगढ़ से सोहन नायक, कुलदीप इंदौरा, शिमला नायक, बीकानेर से गोविंद मेघवाल, मोगाराम मोडाराम मेघवाल, सरिता मेघवाल, दिनेश सुंदा, उदयपुर से दयाराम परमार, ताराचंद मीना, रघुवीर मीना, रामलाल मीना, डूंगरपुर बांसवाड़ा से अर्जुन बामनिया, नानालाल नीनावाना, विकास बामनिया, बारा झालावाड़ से प्रमोद जैन भाया, चेतन पटेल, उर्मिला जैन, रघुराज सिंह हाड़ा, गिरिराज धाकड़, रामचरण मीना, भरतपुर से भजनलाल जाटव, संजय जाटव, निर्भय जाटव, राजसमंद से लक्ष्मण रावत, सुदर्शन रावत, रामचंद्र जरोड़ा, सुदर्शन रावत चित्तौड़गढ़, उदयलाल अंजना से, और ये तमाम जो नाम है वो इस लिस्ट में शामिल है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। निजाम, दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है कांग्रेस की और दूसरी बैठक बताई जा रही है। ये लिस्ट में संभावित नाम है जो जी राजस्थान अभी दिखा रहा है दर्शकों को, किस तरह से बैठक होगी, कितने बजे से बैठक शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए कि कांग्रेस की 25 लोकसभा सीटों को लेकर, प्रदेश की जो 25 लोकसभा सीटें हैं उन सभी को लेकर आज मंथन होगा। ये दूसरी बैठक है, क्योंकि पहली बैठक में ज्यादातर सुझाव यही आया था कि सभी बड़े नेताओं के, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा,
सहित शांति धारीवाल और तमाम जो बड़े नेता हैं करीब एक दर्जन से ज्यादा, उनको चुनाव लड़ाया जाए ताकि 25 में से ज्यादा सीटें आ सके। लेकिन देखिए जो वर्तमान हालात है उसमें बड़े दिग्गज नेता जो हैं कन्नी काट रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ऐसी परिस्थितियों में आज की इसीलिए देखिए कि दूसरी बैठक में इतना समय लगा और आज जो बैठक हो रही है उस बैठक का यही मकसद है कि किस तरीके से प्रत्येक सीट पर 3 लोगों का नाम पैनल बनाकर जो है केंद्रीय चुनाव समिति के सामने भेजा जाए और उसमें फाइनल हो। और इसमें ज्यादातर देखिए हमने उन सभी प्रत्याशियों के नाम बताए जो फिलहाल उनके पास कहें तो प्रदेश की जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो इस पर चर्चा करेगी कि क्या एक तरीके से बड़े नेताओं ने अपने नाम वापस ले लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज फाइनल करेंगे स्क्रीनिंग कमेटी क्या उसमें उनका शामिल हो या नहीं हो। लेकिन देखिए परिस्थितियां जिस अनुसार हैं उसके अनुसार न केवल कुछ सीटें जैसे नागौर हैं और इसके साथ ही चूरू है, इन पे नजर अब जो है बीजेपी के सीटों की घोषणा के बाद कुछ बदल गई है। पहले जहां अनिल शर्मा का नाम चूरू में सबसे आगे आ रहा था, लेकिन अब स्थितियां ये हैं कि क्या राहुल कसवा या उनके पिता जो राम सिंह कसवा है क्या वो कांग्रेस के संपर्क में है, अगर संपर्क में है तो क्या वो टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। इसी तरीके से नागौर में हनुमान बेनीवाल का नाम कि वे क्या हनुमान बेनीवाल से कांग्रेस गठबंधन करेगी, इन सभी मुद्दों पर जो है आज स्क्रीनिंग कमेटी भी चर्चा करके आगे सीसी के समक्ष भेजेगी, जिसके बाद आगामी 8 से 10 मार्च को जो है सीसी की बैठक हो सकती है, उसके बाद कभी भी ये जो लिस्ट बाहर आ सकती है। लेकिन फिलहाल आज जो है आज केवल स्क्रीनिंग कमेटी का काम है कि वो पैनल तैयार करे और इसके लिए सभी नेता चाहे वो सचिन पायलट हो, डोटासा हो, टीकाराम जूली हो, प्रभारी रंधावा हो, वो आज करीब 12 से 1 बजे तक दिल्ली पहुंचने वाला है। निजाम बड़ी बैठक ये रहने वाली है, इससे पहले भी एक बैठक हो चुकी है, लगातार बीजेपी भी अगर बात करें तो वो भी मंथन कर रही है लोकसभा की 25 सीटें जीतने का और इस बार 400 पार होने का दावा कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस की फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है चुनाव को लेकर, क्या रणनीति तैयार की जा रही है, किस तरीके से लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश इस बार कांग्रेस पार्टी क्या मजबूत तरीके से नजर आ रही है? देखिए राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की जो स्थिति है उसको देखते हुए कांग्रेस एक रणनीति के तहत चल रही है, जिसके तहत वो पहले सभी बीजेपी की जो ज्यादातर सीटें घोषित होने के बाद अब भी सीटें घोषित होना चाहती है, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कांग्रेस को सबसे ज्यादा फाइनेंस की, उसके बाद प्रत्याशियों की, क्योंकि ज्यादातर कई सीटें ऐसी है जहां पे उसको प्रत्याशी चयन में दिक्कत आ रही है या कह सकते हैं प्रत्याशियों की जो उम्मीदवारी है वो बहुत कम लोगों की है, जिसके चलते उनको उपयुक्त प्रत्याशी चुनने में काफी मुश्किलें सामने करनी पड़ रही है। तीसरी जो है स्थिति है कि उसके जो गठबंधन दल हैं उन गठबंधन दलों से अभी तक पूरी तरह से गठबंधन हो नहीं पाया है। उन चीजों पे अगर कहें तो अभी भी पैच कई जगह फंसे, चाहे वो बंगाल हो चाहे यूपी हो, कई ऐसे राज्य है जहां पे वो चाहे नीचे तमिलनाडु में जरूर उसका पूरा होता जा रहा, साउथ में जरूर कांग्रेस है जो थोड़ा सा संगठन गठबंधन करने में थोड़ा आगे बढ़ी है, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में वो नहीं कर पा रही। तो ऐसी परिस्थितियों में समय लगा और इसके लिए उन्होंने कुछ इंतजार करने की रणनीति अपनाई। इसका कोई खामियाजा क्या कांग्रेस में भुगतना पड़ सकता है पार्टी को कि गठबंधन नहीं हो पा रहा और ऐसे में कहीं ना कहीं कमजोर भी हो सकती है पार्टी? देखिए कांग्रेस की रणनीति इस बार अपनी संख्या बल 56 से बढ़ाकर 100 से परे करने की है, 100 से बाहर जाने की है, ताकि एक नीचे लेवल पे पूरे राष्ट्रीय लेवल पे मजबूत कार्यकर्ताओं में मजबूत संदेश जाए और कार्यकर्ता एकजुट हो जाए। तो कांग्रेस की रणनीति यह है कि अगर वो जितनी सीटों पे लड़ रही है बाकी जो अपने गठबंधन को देती है, लेकिन अधिकांश सीटों पे वो इतनी मजबूती से लड़े कि वो बीजेपी को एक बड़ी चुनौती दे सके और साथ ही वो अपने 100 के आंकड़े को पार कर सके, जिससे कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो वो है ना केवल बीजेपी को नियंत्रित करने में कोशिश करे बल्कि जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है एनडीए का उसको भी कमजोर करे और वो अपने 100 से ज्यादा सीटें हासिल करके एक तरह से चुनौती पेश करे। बिल्कुल, और चुनौती तो है ही कांग्रेस पार्टी के आगे, लेकिन अब देखना ही होगा कि 100 तक का आंकड़ा वो कह रहे हैं जैसे कि आप बता रहे हैं कि पार्टी पार करना चाहती है और ऐसे में बीजेपी एक तरफ है जो 400 पार की सोच रही है, तो दोनों के बीच में कांटे की टक्कर यहां पर निजाम देखने को मिल सकती है। विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो किस तरीके से शिकस्त देखने को मिली थी कांग्रेस पार्टी को, उसका बदला लेने के लिए पूरी तैयारी जोर आजमाइश करेगी इस बार? देखिए अगर बीजेपी की वर्तमान परिस्थिति, बीजेपी की सबसे बड़ी बात यह है कि वो विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही दूसरे दिन से लोकसभा में जुट गई। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल इसलिए आई कि उसके पास मैंने जैसे बताया फाइनेंस की हो चाहे उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह की हो,
राजस्थान और मध्य प्रदेश हारने से कांग्रेस को बेशक झटका लगा, लेकिन राजस्थान का मामले में यह है कि उसके परसेंटेज, वोट परसेंटेज बढ़े हैं, उसकी सीटों की संख्या बढ़ी है। इसी तरीके से नॉर्थ इंडिया के जितने भी राज्य हैं उसमें उसकी जो सीट प्रति, जो वोट प्रतिशत है वो बहुत मजबूत है उसको लगता है। इसी वजह से वो लोकसभा चुनाव में अगर वो अच्छे कैंडिडेट तय करती है तो बेशक वो एक बड़ी चुनौती बीजेपी को ज्यादातर सीटों पर दे पाएगी, लेकिन उसके पास सबसे ज्यादा अगर कहीं कहें तो मुश्किल आती है तो वो उसकी सबसे मुश्किल आती है वित्त को लेकर, फाइनेंस को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ समय में देखिए कि जो कांग्रेस के कई जो अकाउंट्स हैं उन पे सीज हुए हैं, दूसरी तरफ जो ईडी और उसके छापे हुए हैं, तो इसकी वजह से कांग्रेस के पास फाइनेंस आने वालों के लोगों को भी डरा है और खुद कांग्रेस के नेताओं ने भी अगर कहें तो जो जमा करना चाहिए या जो चंदा देना चाहिए उसमें बहुत उतनी वो उम्मीद के अनुसार, कांग्रेस को उम्मीद के अनुसार वो नहीं आया फाइनेंस, चाहे वो चाहे बड़े नेताओं से हो जिनको उम्मीद की जाती थी कि वो करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो कांग्रेस के सामने मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन अगर वो इस चीज को, इस लोकसभा चुनाव को एक शुरुआत मानती है 2029 की, तो वो निस्संदेह चाहेगी कि वो 100 से ज्यादा सीटें हासिल करके अपने अगले 5 साल के लिए वो चाहे दोनों सदन में चुनौती पेश करें, और इसके साथ ही जो अपने राज्य हैं चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ इंडिया के राज्य जो उससे चले गए हैं उसको वापस हासिल करने की कोशिश करें। ठीक है निजाम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए पूरी पुरजोर कोशिश है कांग्रेस की इस बार 100 पार होने की भी, लेकिन देखना भी ये होगा कि कांटे की टक्कर क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अभी जिस स्थिति से गुजर रही है सबसे पहले अपने कैंडिडेट्स को मजबूत करना, और जैसे कि मेरे सहयोगी निजाम ने बताया कि फाइनेंशियली स्थिति उनकी अभी थोड़ी गड़बड़ाई हुई है, ऐसे में इन सभी चीजों को देखकर आने वाली इस कमेटी में किस तरीके की इस बैठक में बातचीत होती है, चर्चा और मंथन क्या होता है, उसके बाद में कौन से वो संभावित नाम थे जो हमने आपको दिखा दिए थे, और उसके बाद में आगे आने वाले चुनाव में किस तरीके से मजबूती से कांग्रेस उतरती है ये देखना जरूरी होगा।